हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, देखते हैं आप जिनके भी साथ अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आपके पर्सन का मैसेज क्या है आपके लिए, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, जिनके भी साथ आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, गिव मी फोर कार्ड्स। जिनके भी साथ वो लव लाइफ में डील कर रहे हैं, कार्ड नंबर वन इज फोर ऑफ वॉन्ड्स, कार्ड नंबर टू नाइट ऑफ सोर्ड्स, कार्ड नंबर थ्री इज पेज ऑफ कप्स, एंड क्वीन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ सोर्ड्स, मतलब सारे ही कार्ड्स पॉजिटिव हैं और बॉटम से मून की भी एनर्जी है। तो आपके पर्सन का देखिए पहला मैसेज तो ये है कि ये आपके साथ लव मैरिज करना चाहते हैं। डजेंट मैटर क्या सिचुएशंस चल रहे हैं आपके पर्सन और आपके बीच में, क्या सिनेरियोज क्रिएटेड है पहले से, बट ये पर्सन आपको अपना बेटर हाफ, अदर हाफ के रूप में देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके कंपैटिबल पार्टनर हैं, ये आपके साथ बहुत खुश रहेंगे, आपकी और इनकी कंपैटिबिलिटी मैच होगी। हो सकता है आपकी सेम हॉबीज हो, आपके सेम चॉइसेस हो, बट यस, ये आपको शादी के लायक समझते हैं कि ये आपसे शादी कर सके। अभी उन लोगों के केस में एनर्जी थोड़ी सी डिफर कर सकती है जो किसी और के साथ मैरिड है, या आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड है और आप किसी और के साथ मैरिड है, ठीक है, बट ये आपको अपने बराबर का समझते हैं, चाहे वो एनर्जी लेवल है, चाहे वो थिंकिंग प्रोसेस है, हर तरीके से ये आपको अपने पार्टनर के रूप में देखते हैं, ठीक है। इनका दूसरा मैसेज आपके लिए ये है नाइट ऑफ सोर्ड्स, मतलब ये आपकी तरफ अब कोई जल्दी में एक्शन ले लेना चाहते हैं, जिसके लिए हो सकता है इन्होंने सालों साल लगाए हो, महीने लगा दिए हो, बट यस, ये पर्सन आपकी तरफ अब एक्शन लेना चाहते हैं। इन्हें अच्छा नहीं लगता है अगर आप कुछ अलग चीजें करते हैं, जो अगर देखिए दो तरीके के लोग दुनिया में होते हैं, या तो कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, चीजों को प्राइवेट रखना पसंद करते हैं, या पब्लिक करना पसंद करते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। आपके पर्सन अगर इंट्रोवर्ट है और आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो इनको प्रॉब्लम होती है, और अगर आप इंट्रोवर्ट हैं और ये एक्सट्रोवर्ट हैं तो भी हो सकता है कि इनको प्रॉब्लम हो जाती हो, बट इनको गुस्सा आता है अगर आपको कोई कमेंट कर रहा है, ये आपको कहीं से स्टॉक कर ले रहे हैं, ये आपके ऊपर नजर बहुत ज्यादा रखते हैं, इनको ऐसा लगता है कि इसने ऐसा बोला तो इसने क्यों नहीं इसको रिप्लाई किया, ये कमेंट क्यों कर दिया, कौन कौन दिल भेज रहा है, मतलब इस टाइप की एनर्जी कुछ लोगों के पर्सन की हो सकती है कि बहुत ही तीखी और पैनी नजर ये रखते हैं। इवन इनको ऐसा भी लगता हो कि बेशक मैं इसके साथ सेपरेशन में हूं, नो कॉन्टेक्ट में हूं, लेकिन मैं पूछूंगा जरूर, मैं पूछूंगी जरूर कौन है ये, इतना ज्यादा पॉजिटिवनेस आपके पर्सन की हो सकती है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है तो ये डेफिनेटली आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको एडोर करते हैं, ये बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपसे, इनको ऐसा लगता है कि आप प्यार डिजर्व करते हैं, आप बहुत प्यारे हैं, बहुत क्यूट हैं, बहुत नेचुरल से हैं, मतलब प्रॉपरली डाउन टू अर्थ अगर आपकी पर्सनैलिटी है तो यस, पेज ऑफ कप्स ये सिग्निफाई कर रहा है आपके पर्सन की एनर्जी को कि ये आपको चाहते हैं। एनर्जी लेवल पे देखिए ये पर्सन को हो सकता है नहीं पता कि प्यार कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, हो सकता है जब लव मेक करने की बारी आती हो या एफर्ट्स लगाने की बारी आती हो तो ये हमेशा फेल हो जाते हो, लेकिन 100 ना कह के एक कहना, लेकिन वो कुछ इफेक्टिव सा प्रूव हो जाना, ये आपके पर्सन की क्वालिटी हो सकती है। आप देखेंगे तो ये जो बच्चा है, इसके जो कप है उसमें फिश है, फिश किसके लिए होती है, रीयूनियन के लिए, पीसफुल रिजोल्यूशन के लिए, प्यार के लिए, शांति के लिए, तो आपके पर्सन की आप रियल हैप्पीनेस हैं, इनर पीस हैं, ठीक है, तो ये आपके साथ हार्मनी चाहते हैं, बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं आपको लेकर, आपको खुश होते हैं जब ये देखते हैं कि आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, आपने ये ग्रोथ कर लिया है, मतलब इस तरीके का माइंडसेट आपके पर्सन का है। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ क्वीन ऑफ कप्स, आपके पर्सन बहुत प्यार करते हैं और अगर आप अब इनको अपना प्यार नहीं दिखा रहे हो, जो आपने पहले बहुत लुटा दिया, बहुत किया, जैसे कहते हैं ना कि हर एक वक्त जब जरूरत नहीं भी थी तब भी आपने प्यार किया, तब भी आपने ये कर लो ये कर लो, अननेसेसरी जिसको बोला जा सकता है, और अब आप ऐसा नहीं कर रहे हैं
तो इनको वो चीज बुरी लग रही है, मतलब इनके जो इमोशंस है वो ओवरफ्लो कर रहे हैं और आपने अगर अपने इमोशंस को सप्रेस कर लिया है, और ये चीज ठीक भी है कि अगर ये तब आपकी वर्थ को नहीं समझ रहे थे तो अब ये आपकी वर्थ को समझ रहे हैं, फील कर रहे हैं कि आप इन्हें डिजर्व करते हैं और ये आपको डिजर्व करते हैं। यहां पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ऐसा लग रहा है रिसेंट पास्ट में कुछ इश्यूज की वजह से आप लोगों के बीच में तू-तू मैं-मैं हो गई, तनातनी हो गई बहुत बुरी तरीके से। यहां पर मदर इश्यूज हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी इश्यूज, स्पेशली इमोशंस के लिए शब्द बाण छोड़े गए हैं, मतलब अगर आप इनसे आपकी ये बात नहीं सुन रहे थे, आपके इमोशंस को वैल्यू नहीं कर रहे थे, या ये आप इनके इमोशंस को वैल्यू नहीं कर रहे थे, तो जो भी हुआ है वो इमोशनल होकर किया गया है। अपने इमोशंस को हर्ट होते हुए आप नहीं देख पाए, या आपके पर्सन नहीं देख पाए, जिसकी वजह से ये जो रिश्ता है ये खराब हो गया। कुछ ऐसी चीजें तीखी बोल दी गई है जो हो सकता है ना आपके इंटेंशंस रहे हो ना आपके पर्सन के रहे हो, फिर भी वो चीजें होना डेस्टाइंड था फॉर अ लेसन, तो ये चीजें भी यहाँ पे रीडिंग में निकल के आ रही हैं। तो यहां पर यही आपके पर्सन के लव मैसेजेस हैं कि ये आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, ये आपके ऊपर नजर भी रखते हैं, और ये कहीं ना कहीं रियलाइज कर रहे हैं कि ये आपको खोकर कभी खुश नहीं रह पाएंगे। जहां पर बात इमोशनल सेटिस्फेक्शन की होगी, समझ की होगी, डीलिंग्स की होगी डेली लाइफ में, तो वहां पर ये प्रॉब्लम फेस करेंगे। ठीक है, सो गाइज ये थी आपके पार्टनर के लव मैसेजेस। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।